गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 3-4 दिन से जो है वीडियो नहीं डाला है, तो मेरी तबीयत जो है थोड़ी ठीक नहीं है, गला वाला सब कुछ ख़राब था, इसीलिए वीडियो नहीं डाला था। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मस्त सा यूज़फुल वीडियो लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप लोग और देखते रहिएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज मैं कुछ करने वाली हूँ। तो ये भी मेरे पास जो है एक झूला है जो कि मैं मार्केट से लेकर के आई थी और मुझे जो है 100 रुपीज़ में पड़ा था, पिछले साल में लेके आई थी। तो ये झूला जो है बहुत सिंपल सा है और इसको जो मैं आज मेकओवर करने वाली हूँ और इसको अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे कुछ लेस वगैरह ली हुई हैं, छोटी है और थोड़ी सी मोटी वाली भी है, दोनों तरह की लेस ली हुई हैं। तो इसी से जो है मैं आज करूँगी। और आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट टाइम जो है यहाँ पे ग्लूगन ऑनलाइन मंगाया था, तो आज मैं उसको जो है यूज़ करने वाली हूँ। आज से पहले मैंने कभी यूज़ नहीं करी है। तो आप देख सकते हैं इसका स्टैंड था वो मैंने लगा लिया है और अभी जो है इसमें ग्लू स्टिक है तो ये इसमें फंसा दूँगी। और फ्रेंड्स, एक बार फंसने के बाद दोबारा फिर निकलती नहीं है कभी भी, जब तक ये यूज़ ना हो जाए पूरी तरह से फिर नहीं निकलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है और स्विच में लगा दिया, ऑन कर दिया है। तो अभी इसको हीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं इसको रख दूँगी हीट होने के लिए। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी देखिए इसमें 2-3 मिनट हो गया है और 2-3 मिनट के बाद ये अपने आप जो है हीट होकर निकलने लग गया था। तो मैंने यहाँ से ऑफ़ कर दिया, इसमें ऑन ऑफ़ का बटन भी दिया हुआ है। तो इसका फुल वीडियो मैंने डाला हुआ था, आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको पेस्ट किया है, बस थोड़ा सा ही लगाना, बाकी फिर इसको इस तरीके से लपेटते जाएंगे तो ये जो है अच्छे से हो जाएगा हमारा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर किसी के पास ग्लू गन नहीं है तो आप लोग जो है फेविक्विक आती है जो 5 रुपए की, वो भी क्योंकि इस तरीके के जो प्लास्टिक के सामान होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा फेविक्विक वगैरह हो या फेविकॉल काम नहीं करता है यहाँ पे लेस वगैरह और इस प्लास्टिक के सामान में, तो आप जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास तो जो है ये पहले से पड़ा हुआ था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब हर किसी के पास तो नहीं होगा, तो सब लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको देख करके आप लोग घर पे बना सकते हो। इस झूले के एक एक पार्ट यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं और कैसे बना हुआ है ये, वो बिल्कुल है। तो आप लोग इससे आइडिया ले सकते हो और जो है आप घर पे भी झूला बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि इसके अलग अलग कितने सारे, तो आप यहाँ पे किसी प्लास्टिक बोतल से या फिर जो है प्लास्टिक के डिब्बे से या कार्डबोर्ड से भी आप बना सकते हो। थोड़ा उसको जो है 2-3 लेयर में पेस्ट करके थोड़ा हैवी कर लोगे तो वो हो जाएगा। और इसके जो यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल हैं जो हैंग करने वाले, तो ये जो है बहुत पतले पतले से हैं और इसको जो है इसके जो इसमें होल दिए हुए हैं ना उसमें डाल करके हमें इसको लगाना होता है। तो मैं जो है इसको ज़्यादा मोटा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा मोटा कर लूँगी तो उस होल में जाएगा नहीं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पतली लेस ली थी। और ये हमारा पालना है जो बिल्कुल अलग हो चुका है, तो इस पालने को भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी इस पतली वाली लेस से। ये भी बहुत ज़्यादा जो है सिंपल सा लग रहा था। तो इसमें ना लेस लगी हुई थी, पहले लगी हुई थी, पर वो ऐसे ही होता है ना मार्केट में, अब 100 रुपीज़ में क्या ही आप लोगे, तो वो ऐसे ही लगा देते हैं, हल्का सा बांध देते हैं, तो वो निकल गई थी सारी। तो फिर मैं इसको अच्छे से जो है अब डेकोरेट कर रही हूँ घर पर। तो इस तरीके से मैं इसमें सारे में चारों तरफ लगा लूँगी इस पतली लेस को। तो मैं तो यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप फेविक्विक का यूज़ ज़रूर करना है यहाँ पे, इस तरीके के प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है उसके साथ फेविक्विक जो होता है वही काम करता है। तो इससे काम करना बहुत ईजी है, आप लोग चाहो तो मंगा सकते हो, 200-250 रुपये में आती है, ज़्यादा महंगी तो आई नहीं है ये। तो अभी देखिए इसके साइडों की जो यहाँ पे ग्रिल टाइप का दिया हुआ है ये तो पालने का, तो इसमें भी जो है बहुत सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने इसमें भी इस तरीके से लेस लगा दी। और जब झूला ऊपर नीचे होता है तो नीचे का पार्ट भी जो है नज़र आता है, तो मैंने इसको जो है नीचे से ही पूरा कवर कर दिया है, नहीं तो मैं अलग अलग कट कर सकती थी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको जो है अच्छे से कर लिया है, सारे पार्ट्स जो हैं उसको कर लिया है। और अभी जो इस साइडों में छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये जो है इसके अंदर जाएगा। तो अभी हमारा जो झूला है पालना है वो बहुत सिंपल सा है अंदर से, और उसके लिए हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए जो है यहाँ पे बिस्तर, उसमें बैठने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा मैंने एक पीले रंग का कपड़ा लिया था और उसको जो है 3 साइड से सिल करके, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है सीधा कर लिया है, सुविधा कैसे सिल लिया था। और इसको सिलने के बाद आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट ले रही हूँ मैं, सही था मेरा।
तो इस तरीके से मैं इसमें थोड़ी सी कॉटन भर दूंगी ताकि जो है अच्छा सा हो जाए, सॉफ्ट सा हमारे कान्हा जी को चुभे ना बिस्तर हमारा। तो इस तरीके से मैं देखिए इसको इस तरीके से भर के अच्छे से और एक नाप करके देख रही थी तो बहुत अच्छा आ रहा था मेरा, इसका मेजरमेंट अच्छा था। तो मैं इसको अंदर करके और इस तरीके से देखिए सुई धागे से इसको अच्छे से सिल दूंगी और सिल करके जो है फिनिश कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारा ये देखिए छोटा सा क्यूट सा बिछौना भी तैयार हो गया है और इसको हमने अपने झूले में रख दिया है। तो अब चलिए हम इसको लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो आप लोग ज़रूर बनाना। मेरे पास तो ये रखा हुआ था तो मैंने इसलिए बनाया नहीं है, नहीं तो मैं भी बना सकती थी इस तरीके का और अभी बनाऊँगी भी तो फिर क्या करूँगी इतने सारे झूलों का, तो इसीलिए फिर मैंने बनाया नहीं, नहीं तो मैं ज़रूर बनाती। और आप इसका अलग अलग पार्ट है उसको आप देख सकते हो कि किस तरीके से बनाना है। और अभी मैंने इसको देखिए झुलाने के लिए यहाँ पे लिए एक राखी, तो रक्षाबंधन पे हमारी काफ़ी सारी राखियाँ बच जाती हैं तो उसका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है यूज़ करी हुई राखी बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपके पास नहीं बची है कोई राखी नहीं रखी है तो आप इस तरीके से कलावा ले सकते हैं या कोई ऊन वगैरह ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी का झूला बिल्कुल रेडी हो गया है, फाइनल लुक इस तरीके से निकल के आया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और जय श्री राधे ज़रूर लिखना। तो जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।